मऊ से हैं उमा पांडे जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जय सर नमस्ते। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपकी वो जैतून का सिरका 6 महीने से पी रही हूँ और मुझे शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है। शुगर 140 के आसपास है और मतलब मुझे कमजोरी बहुत लग रही है उससे। मुझे अब मतलब 6 7 महीने हो गए पीते हुए, पर मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होगी, थकान बहुत रहती है और कमजोरी मतलब जैसे कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा हो गया। बाकी मेरी सब चीजें नॉर्मल है, कोई कुछ मतलब ना शुगर बढ़ी, ना बीपी बढ़ा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये सब सही है सर। और मतलब मुझे बस कमजोरी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है सर। ठीक ये जैतून का सिरका तो मैं पी रही हूँ लगातार सर, बंद भी नहीं करा और इंजेक्शन वगैरह भी मेरा छूट गया है, गोलियां कम हो गई है पहले से। तो सर ये कुछ उपाय बताइए आप, ऐसा कि मुझसे कमजोरी ना लगे मुझे। जी जी देखिए, आप ये कर सकते हैं कि अगर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम ये पीते हैं, तो रात के वक्त 3 चम्मच या 4 चम्मच पी लिया करें, दिन में ना लिया करें। तो एक तो ये तरीका है, क्योंकि डायबिटीज पूरी तरह तो अच्छी होती नहीं, कंट्रोल ही होती है, और आप ये सिरका ले रहे हैं तो फिर आपको एक तो कमज़ोरी नहीं लगेगी, और शुगर को ये निकालता है, तो दिन में अगर ये निकाले तो आदमी कभी कभी ऐसा महसूस करता है, और फिर ताकत के लिए आप वो भी ले सकते हैं, अलसी आधा चम्मच और आधा ग्राम गौंसिया, पूरे दिन में एक बार ले लिया करें, पानी के साथ या कम चर्बी के दूध के साथ। तो ये नसों में और जोड़ों में और हड्डियों में ताकत भरता है, और फिर आदमी बहुत एक्टिव रहने लगता है, तो ये भी आप साथ में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं और आपकी इंजेक्शन भी छूट गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, गोलियां भी कम हो गई, लेकिन आपको लेनी होंगी हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, इसको लेते रहें, और मेरी दुआ है आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें।